हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं, चाहे पीसीबी डिजाइनिंग हो, एम्बेडेड सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, अनलॉक सर्किट्स है, जो भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट होता है एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, वो चीज़ें मैं शेयर करने का कोशिश करता हूं। अभी रिसेंटली मैं पीसीबी डिजाइनिंग की वीडियोज़ काफ़ी बना रहा हूं और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ और एकदम मतलब फाउंडेशन से मैं आपके साथ वीडियो को शेयर कर रहा हूं। तो अभी जो बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि सर आप पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए ईगल पे बनाओ वीडियोस, एलटीएम पे बनाओ और कैट पे बनाओ, कैडिसन पे बनाओ, डिफरेंट वो बताते हैं प्लेटफॉर्म, ठीक है, बट व्हाट इज़ द मेजर इंपॉर्टेंस। कोई बोलता है कि सर पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए एलटीएम पे अगर हम करते हैं तो क्या जॉब मिलने के चांसेस हैं, तो ये सारे चीज़ों के क्वेश्चंस के डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कम्प्लीटली इस वीडियो में। क्योंकि देखो पीसीबी डिज़ाइन बोलूँ या हार्डवेयर डिज़ाइन बोलूँ या फिर इस तरह की जो चीज़ें, हिंदी में बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल है। अगर आप इंडिया में टॉप में भी निकालोगे जो इस तरह की चीज़ों को हिंदी में बताता है ना, तो टॉप 10 में मैं आ जाऊँगा, ठीक है, उसमें। क्यों? क्योंकि हिंदी में मैंने भी बहुत स्टडी करने की कोशिश की, हिंदी में बहुत ही कम कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ मैं हिंदी में कंप्लीट चीज़ें शेयर करूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे यूथ के लिए, हमारे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ जितना मेरे पास नॉलेज है उतना मैं शेयर करूँ, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में आपको हाई स्पीड की भी मैं वीडियोज़ देने वाला हूँ विद इन अ वीक, और विद इन अ मतलब 10 से 15 दिन में आपको हाई स्पीड की भी मैं कुछ वीडियोस आपके शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए क्या मैं ईगल का सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ, एलटीएम करूँ। तो देखो, अब सबसे पहले आप ये समझो कि हम सॉफ्टवेयर को क्यों यूज़ करते हैं। एज अ डिज़ाइन इंजीनियर व्हाट द थिंग्स फर्स्टली कम्स इन आवर माइंड, सो जब सबसे पहला जो चीज़ है वो हमारे दिमाग में क्या आता है, तो एज अ डिज़ाइन इंजीनियर सबसे पहले हम उठाते हैं नोटबुक, ठीक है। हम सबसे पहले उठाते हैं नोटबुक, हम कभी भी डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सर्किट को एनालिसिस करना होता है। सो जब भी आपको सीखना कि आपको पीसीबी डिज़ाइन सीखनी है ना, तो पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर पे जंप मारोगे आप कुछ नहीं सीख पाओगे। आपको बेसिक स्टैकअप का रूल पता नहीं है, आपको सिग्नल इंटीग्रिटी पता नहीं है, आपको पावर इंटीग्रिटी का नॉलेज नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो बेसिक पीसीबी डिज़ाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है द की, जो की होता है ना बोले तो नॉलेज इज द की यहाँ पे। सो नॉलेज कहाँ से आएगा? नॉलेज आएंगे आपके सब्जेक्ट से। आपको कंपोनेंट एनालिसिस करने आना चाहिए, आपको मैनुअल चीज़ें पता होना चाहिए कि कैसे एक रेक्टिफायर जो है वो एक एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है, कैसे वो जो निगेटिव साइकल्स होते हैं एक एसी सिग्नल के उसको कट करता है। तो ये सब चीज़ें जब तक आपको एक मैनुअल पता नहीं होगा, आपको कंपोनेंट्स का नॉलेज नहीं होगा, आपके लिए कम मैं बोलूँगा वर्थ नहीं है डायरेक्टली आप सॉफ्टवेयर पे जंप करो। क्योंकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर उठाओ, मैं ये नहीं बोलता हूँ केवल पीसीबी डिज़ाइनिंग के लिए, आप इनफैक्ट प्रोग्रामिंग सीखते हो आप C++, जावा, पाइथन, लैबव्यू है ना, इस तरह के आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हो, तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आपके पास लॉजिक क्लियर नहीं है तो आप सॉफ्टवेयर को क्या कर लोगे यूज़ करके। आपको बेसिक स्टैकअप का लेयर पता नहीं, आपको स्टैकअप के बारे में पता नहीं, आप कैसे 4 layer, 6 layer, 8 layer पीसीबी को डिज़ाइन कर लोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहला टारगेट हो कोई भी सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहो, अगर मैं पीसीबी डिज़ाइन की बात करता हूँ तो आपके पास एलटीएम है, कीकैड है, एलगेरो है, डिप्ट्रिस है, उसके बाद आपके पास ईगल है, और भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर है मार्केट में अवेलेबल जो कि पीसीबी डिज़ाइनिंग सॉफ्ट के लिए वो प्रोवाइड की जाती है, बट वो प्रोवाइड की जाती है एज एन अ प्रोफेशनल। मेरे को बोलते हैं सभी लोग कि सर आप इस पे बना दो, मैं कितने सॉफ्टवेयर पे आपके लिए कोर्सेज बनाऊँ। मैंने आपके लिए मैंने इसीलिए कीकैड को सिलेक्ट किया क्योंकि कीकैड कंप्लीट फ्री है, ओपन सोर्स है, ईजी टू यूज़ है, कोई भी बंदा उसे यूज़ कर सकता है, फीचर उसमें भर भर के हैं, आप जितने फीचर्स आप चाहते हो आपको हर एक चीज़ वहाँ पर मिलेगा। ईजी होता है सारे कंपोनेंट्स को इम्पोर्ट करना, अगर मेरे लाइब्रेरी में अगर कोई कंपोनेंट नहीं है तो मैं इजिली उसे इम्पोर्ट कर सकता हूँ, तो बहुत सारे फीचर्स वहाँ पर मिलते हैं, इसलिए मैं कीकैड पर ही वीडियो से ज़्यादा बना रहा हूँ क्योंकि वो ओपन सोर्स है। अब मुझे अगर बात करूँ, अगर मुझे एलटीएम यूज़ करना है तो मैं एलटीएम का मुझे मिलेगा 15 दिन का ट्रायल वर्जन, मैं 15 दिन में आपको कितना सिखा दूंगा, कितना वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा 15 दिन के लिए। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ें समझनी है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे डायरेक्ट मत सोचो कि मुझे अगर डायरेक्टली पीसीबी बनानी है मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं सीधा जाऊंगा वहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप पे स्कीमेटिक्स ड्रॉ करूंगा पीसीबी बना लूंगा मेरा काम हो जाएगा। आप कुछ नहीं सीखोगे, आपको जीरो नॉलेज होगा वहाँ से, आपको कंप्लीट बता रहा हूँ जीरो नॉलेज होगा, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अब माइक्रो कंट्रोलर के VCC पे अगर मैं कैपेसिटर लगा रहा हूँ, आपने कहीं से उठाया रेफरेंस देख के लगा दिया, आपको पता ही नहीं कि वो कैपेसिटर क्यों लगाया, उस कैपेसिटर को बोलते क्या है, क्या यूज होता है डीकपलिंग कैपेसिटर का, क्या यूज होता है बाईपास कैपेसिटर का, क्यों हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, क्यों यूज़ करते हैं हम सेरामिक कैपेसिटर, हम कहाँ पर मुझे सेरामिक यूज़ करना है, कहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है, क्यों हम 0.1 microfarad का कैपेसिटर लगाते हैं या 10 nanofarad का कैपेसिटर लगाते हैं, 1 microfarad का कैपेसिटर लगाते हैं। तो जब तक आपको ये सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे पीसीबी। तो आपको बेसिक्स एप्लीकेशन, मेरे को पीसीबी डिज़ाइनर बनना है,
ठीक है। पीसीबी आपको ड्राफ्टमैन बनना, मैं क्लियर बोलता हूँ, देखो दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है ड्राफ्टमैन, एक होता है डिज़ाइनर। ड्राफ्टमैन का काम क्या होता है कि मैंने आप तुम्हें दे दिया एक डिज़ाइन बना करके, तुमने उसको जस्ट एज इट कॉपी पेस्ट मार के डिज़ाइन बना के मुझे दे दिया, एक ये होता है। एक होता है उसके पीछे का रीजनिंग समझना, उसके पीछे का लॉजिक समझना कि वो एक्चुअल काम कैसे कर रहा है। एक डिज़ाइनर हमेशा किसी एक इंजीनियरिंग का जो होता है वो कोर मेंबर होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइनिंग होता है ना वो एक डिज़ाइन इंजीनियर के हाथ में होता है, क्योंकि डिज़ाइन इंजीनियर के ऊपर ही सारी डिपेंडेंसी होती है। डिज़ाइन इंजीनियर के ऊपर प्रोडक्शन की होती है, मेंटेनेंस की होती है, ऑपरेशंस की होती है, मेंटेनेंस की होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन इंजीनियर के ऊपर होती है कि डिज़ाइन इंजीनियर एक क्या पर्सपेक्टिव लेके सोचता है। डिज़ाइन इंजीनियर का मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी डिज़ाइन करके दे दिया, डिज़ाइन इंजीनियर का मतलब होता है कि आपको कंप्लीट आपको हर एक डिपार्टमेंट को लेकर चलना पड़ेगा कि इजी टू मैन्युफैक्चर हो, इजी टू हैंडलिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग उसकी आसान हो जाए। तो बहुत सारे एज अ डिज़ाइन इंजीनियर, तो आप ये डिसाइड करो कि आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है कि आपको ड्राफ्टमैन बनना है जस्ट कॉपी पेस्ट करने वाला। अगर आपको डिज़ाइन इंजीनियर बनना है तो फर्स्ट आपको कंपोनेंट्स लेवल पर समझने पड़ेंगे, आपको सर्किट समझनी पड़ेगी, क्योंकि पीसीबी डिज़ाइनिंग का जो इनिशियल स्टेज होता है वो होता है द वे ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। और कौन सा सब्जेक्ट का होगा तो वो होगा नेटवर्क एनालिसिस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट। आपको ये सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छा आइडिया लेना पड़ेगा। उसके बाद जाकर के आप इस तरह के कॉपी पेस्ट सर्किट को डिज़ाइन करते हो कि क्या ये एक्चुअल काम कर रहा है कि नहीं, कॉपी पे अपने जो भी डायग्राम है बेसिक उसको आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। उसको फिर आप LTSpice है या मल्टी सिम है, जो डिफरेंट डिफरेंट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वहाँ पे आप जाकर के उसको रन करके देखते हो कि हाँ वो प्रॉपर जो मैंने वैल्यूज वगैरह कैपेसिटर इंडक्टर रेजिस्टर वगैरह की वैल्यू सेट की क्या वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे पता चलेंगी जब आप उसको मल्टी सिम या कहीं भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे जाकर उसे रन करोगे तो आपको ये पता चले कि हाँ मेरा एक सर्किट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उस तरह से आप मल्टीपल सर्किट्स को करोगे, फिर आप स्केमेटिक्स को डिज़ाइन करोगे। अब स्केमेटिक्स को भी डिज़ाइन करते समय बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, रेफरेंस सर्किट उठाना, ये करना, डेटा सेट पढ़ना, कौन से कंपोनेंट पे कब मुझे पुल अप करना है, पुल डाउन करना है, क्या रेजिस्टेंस लगाने हैं, या मुझे डीकपलिंग करना है, या फिर मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस है, म्यूचुअल कैपेसिटेंस है, सारी चीज़ों की वैल्यू देखना। उसके बाद जाकर के फिर आप पीसीबी डिज़ाइन करते हो, फिर पीसीबी आपका फाइनल प्रोडक्ट होता है। पीसीबी में आपने पता चला कि दो ट्रेसेस उसको इतना ज़्यादा क्लोज ले आया है कि वो बाय डिफॉल्ट ट्रांसमिशन लाइन की तरह बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में चेंज कर आपस में शेयर कर ले रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस देखने के लिए मिल रहा है, उसको कैसे रिड्यूस करोगे। तो पीसीबी डिज़ाइनिंग आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, आपको बहुत सारे बेसिक चीज़ें को समझने के बाद ही आपको पीसीबी डिज़ाइन में घुसना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी आपकी चॉइस है, मेरे वीडियोस को देखते रहो, बट आप ये बोलोगे कि सर इस सॉफ्टवेयर में बता दो, सॉफ्टवेयर का कोई यूज़ नहीं, सॉफ्टवेयर 10 से 15 दिन की चीज़ होती है। आपको अगर एक प्रोग्राम, आपको अगर मैं बोलूँ अगर आपको C++ की, अगर ये सी की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है, आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, पॉइंटर, ये सब चीज़ आपको अच्छे से क्लियर है, आपको बेसिक डेटा स्ट्रक्चर क्लियर है, अगर आपको लॉजिक क्लियर है कि मुझे क्या करना है, तो आपके लिए प्रोग्रामिंग को आप सी में सीख करके आप जावा का प्रोग्राम कर लोगे। करना क्या, सिंटैक्स ही तो देखना है। चलो ठीक है, मुझे सिंटेक्स याद नहीं है, मैं गूगल पर सिंटेक्स देख करके मैं कोड बना लूँगा अगर मेरा लॉजिक क्लियर है तो, बट अगर मेरा लॉजिक ही क्लियर नहीं है तो मैं कहाँ से बनाऊँगा, मैं कहाँ से जावा में बना लूँगा, मैं सी में नहीं बना पाऊँगा। तो लॉजिक क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एट द बिगनिंग ऑफ द योर करियर, और इवन यू आर गोइंग टू स्टार्ट द इन एनी डोमेन, किसी भी डोमेन में आप जब शुरू करते हो उसका बेसिक्स आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैटर ये नहीं करता कि आप LTM पे कर रहे हो, कि आप ईगल पे कर रहे हो, कि आप डिप्रेस पे कर रहे हो, कि कीकैट पे कर रहे हो, किसी भी पे करो, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको लेयर स्टैक का पता होना चाहिए कि मुझे लेयर कैसे ऐड करना है, लेयर का क्यों यूज़ होता है, पेपर क्या होता है, डायलैक्ट्रिक मीडियम क्या होता है, क्यों FR4 को यूज़ करते हैं, FR4 मटेरियल है बेसिक, क्यों FR4 को ही मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल PCB डिज़ाइन करेंगे तो कौन सा वहाँ पे मटेरियल यूज़ होगा, तो ये सारी चीज़ें बेसिक से फंडामेंटल है। जब तक आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी सारी की सारी, आप डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी फील करोगे, फिर आप वही होगा कि आप सीखना शुरू कर दोगे PCB डिज़ाइनिंग। स्टार्टिंग के टाइम में मोटिवेशन होगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन करोगे थोड़ा सा इंटरफेसिंग तक डिफिकल्ट हो जाएगी। अभी तो मैं आपको जो भी बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक्स इंटरफेसिंग है, मैं आपको एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूँ, एकदम जीरो से, कि आपको कुछ नहीं आता, मैं समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं वहाँ से PCB लेके चल रहा हूँ। अभी तो PCI HDMI UART USB USB 3 ये सब जब इंटरफेसेस आएंगे, HDMI इंटरफेसेस आएंगे, कहाँ से करोगे आप, जब सिग्नल इंटीग्रिटी की बात आएगी, पावर इंटीग्रिटी की बात आएगी, 8 लेयर 10 लेयर PCB की बात आएगी। अभी तो माइक्रो कंट्रोलर पे चल रहा हूँ, जब माइक्रो प्रोसेसर के पास आऊँगा तब क्या होगा, जब आपके 100 MBPS की स्पीड से डेटा ट्रांसफर होने वाला है, मेमोरी से फेच करेगा माइक्रो प्रोसेसर, तब कैसे PCB डिज़ाइन करोगे, वहाँ पे काम आएगा ये फंडामेंटल। तो फंडामेंटल चीज़ों को समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसके बाद सॉफ्टवेयर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं सीखनी है, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है,
बट सॉफ्टवेयर में इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो उसके टूल्स हैं उससे आपको फेमिलियर होना होता है कि अगर मेरे को राउटिंग करनी है तो उसका वो राउटिंग के लिए मुझे कहाँ मिलेगा, किस तरह से हम आउटर रूटर यूज़ करेंगे, स्विच कैसे करेंगे, पैनलाइज कैसे करेंगे। अब पैनलाइजिंग का दो ही मेथड होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, या तो आप वी एस को यूज़ करोगे या तो माउस बीट यूज़ करोगे। अगर आपका स्क्वायर रेक्टेंगुलर में है तो अभी इसको यूज़ करोगे, अगर आपका सर्कल ओवल के शेप में है, अगर आपका पीसी बना रहे हो तो वहाँ पे आप, या किसी भी अगर आप मतलब एक पर्टिकुलर शेप में नहीं बना रहे हो तो वहाँ पे आप डेफिनेटली माउस बीट यूज़ कर लोगे। कॉन्सेप्ट यही है, बट हो क्या रहा है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेंगे। रूल्स तो यही है, आपको एज कट लेयर है, फैब्रिकेशन लेयर है, सिल्क स्क्रीन लेयर है, आपके पास फ्रंट लेयर है, टॉप लेयर है, बॉटम लेयर है, इनर लेयर है, माइक्रो वाया है, बरीड वाया है, ब्लाइंड वाया है, थ्रू वाया है, तो ये सारी चीज़ें यही टर्मिनोलॉजी होती है, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं। ऐसा नहीं कि आप LTM में कुछ और होगा, KiCad में कुछ और होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरफेस चेंज होंगे बस। अब जैसे कि होता क्या है, जैसे कि LTM क्यों इतना फेमस हो गया, LTM फेमस होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आपको कोई कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, आप सीधे वहाँ जाकर सर्च करोगे LTM के ही लाइब्रेरी में, वो आपको सर्वर से फेच करके दे देगा, आपको उठा के दे देगा, चाहे 3D चाहिए होगा, 2D चाहिए होगा, फुटप्रिंट चाहिए होंगे, आपको सैंपल चाहिए होंगे, आपको फेच करके वहाँ से दे देगा। KiCad में चीज़ें नहीं है, KiCad में आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, बट ये तो आपके लिए अच्छा ना कि आप इंपोर्ट करना भी सीखोगे, इंपोर्ट भी नहीं कर पाओगे तो फुटप्रिंट डिज़ाइन करना सीखोगे, सिंबल को डिज़ाइन करना सीखोगे, तो आपके पास एक कंपोनेंट डिज़ाइन का भी रूल आएगा ना, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट डिज़ाइनर आप बन जाओगे। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा पहले गो विद योर सब्जेक्ट्स नॉलेज, बिकॉज सब्जेक्ट नॉलेज इज द किंग ऑफ योर कोर डिज़ाइन फील्ड, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को सीखो, बाकी मैं हूँ आपके हेल्प करने के लिए, आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, बट मैं आपको वीडियो में कहीं ना कहीं मैं आपको डेफिनेटली करूँगा, बट कमेंट्स का भी मैं कोशिश करता हूँ मैं रिप्लाई दूँ, ठीक है। बाकी आने वाले टाइम्स में मैं हाई स्पीड लेके आऊँगा, अभी एक दो प्रोजेक्ट और आपके साथ करूँगा बेसिक, तो आपका बेसिक्स वाला पार्ट जो वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं हाई स्पीड की तरफ स्विच करूँगा, जब आप USB, HDMI, मेमोरी इंटरफेसेस, SSD इंटरफेसेस, RAM इंटरफेसेस जब सीखोगे, आगे चल के माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम करेंगे तो और मजा आएगा। तो चलो, आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ, पसंद आए या ना आए, बट आपको जो चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ वो आपको समझ में आया होगा। चलो ठीक है, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, जय भारत।